ये एक शख्स यहाँ पे आया और आके यहाँ से आके पहले अंदर तक का गाड़ी चेक किया, उसके बाद में यहाँ आके गाड़ी के बाजू में गाड़ी लगा के बाकायदा पेट्रोल को निकाल के अपने गाड़ी में डलवाया, और बाकायदा वो सीसीटीवी रहते हुए भी उसको देखते हुए इतनी उसके अंदर में ये है कि उसने देखते हुए उसने वो सब काम के अंदर देखते हुए भी निकाला, देखते हुए भी निकाला। हाँ, तो इतनी यहाँ के ये इनका ये बढ़ गया है कि इनको किसी बात का कोई खौफ नहीं रहा, और बेधड़क आके रात को 12 बजे, कोई इतना टाइम नहीं आज की तारीख में तो 12 बजे नॉर्मल वक्त हो गया है, और आने जाने वाले लोग रहते ही रहते हैं, और ये हमेशा आने जाने वाले यहाँ से ये बिल्डिंग का जो परिसर है, इस परिसर से लेके पीछे के नशोमन तक और पीछे जोगरे नगर तक का लोग पब्लिक आते जाते रहते हैं। सब मौजूद है अलवी अपार्टमेंट परिसर में, खड़ी मशीन रोड या करीबी साहिल होटल भी है, काफ़ी क्राउडेड एरिया है, लेकिन ये जो अलवी अपार्टमेंट के रहवासी हमारे सामने खड़े हुए, अब्दुल सलाम भाई है हमारे साथ, भाई आपका नाम? नूर भाई है। सलीम भाई, ये कुछ जिम्मेदार है अलवी अपार्टमेंट के, हमेशा की शिकायत हो गई है सीसीटीवी होने के बावजूद भी, यहाँ से रिक्शा चोरी हुई, बाइक चोरी हुई, बाइक से पेट्रोल चोरी हुआ, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, और साथ साथ परेशानी यहाँ की आवाम को ये भी है कि जो यहाँ पे करीब में कॉलेज है, नाम हमने लेंगे नहीं क्योंकि तकलीफ हो जाती है, वो वहाँ के बच्चे यहाँ पे आगे युक्तियाँ गंदी हरकतें करते हैं सुबह में, कई बार सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन कुछ इज्जत है इसलिए लोग बताते नहीं। अभी हाल ही में एक वारदात हुई है सलाम भाई, पेट्रोल चोरी की, जो सीसीटीवी में कैद हुई है, क्या बताएंगे? देखिए, ये 21 तारीख रात की बात है ये, और करीब करीब 12 बजे के बाद की बात है। ये एक शख्स यहाँ पे आया और आके यहाँ से आके पहले अंदर तक का गाड़ी चेक किया, उसके बाद में यहाँ आके गाड़ी के बाजू में गाड़ी लगा के बाकायदा पेट्रोल को निकाल के अपने गाड़ी में डलवाया, और बाकायदा वो सीसीटीवी रहते हुए भी उसको देखते हुए इतनी उसके अंदर में ये है कि उसने देखते हुए उसने वो सब काम के अंदर देखते हुए भी निकाला, देखते हुए भी निकाला। हाँ, तो इतनी यहाँ के ये इनका ये बढ़ गया है कि इनको किसी बात का कोई खौफ नहीं रहा, और बेधड़क आके रात को 12 बजे, कोई इतना टाइम नहीं आज की तारीख में तो 12 बजे नॉर्मल वक्त हो गया है, और आने जाने वाले लोग रहते ही रहते हैं, और ये हमेशा आने जाने वाले यहाँ से ये बिल्डिंग का जो परिसर है, इस परिसर से लेके पीछे के नशोमन तक और पीछे जोगरे नगर तक का लोग पब्लिक आते जाते रहती है। सलाम भाई, किस चीज़ से निकाला गया है पेट्रोल? पेट्रोल निकालने के लिए उन्होंने वो उनको ऊपर के टंकी खोली और एक पाइप का इस्तेमाल किया, अपने मुँह से खींच के वो पाइप उसमें डालते हुए बाकायदा नजर आ रहा है, और सीसीटीवी में पूरी तरह वो एकदम दिख रहा है कि वो किस तरह कर रहा है, उसकी हरकतें पूरी। और ये अभी का नहीं है, ये महीने दो महीने में ये हादसे होते ही रहते हैं हमारे पास। अभी अब जाके हमने थोड़ा सा बोला नहीं कि अब इसके ऊपर में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले भी कभी आपने उस शख्स को देखा था? इससे पहले भी एक दो बार वो शख्स आ चुका है इस एरिया में, और एक बार यहाँ से यही कॉर्नर से बाइक बाकायदा निकाल के लेके गया, जो जिस बाइक से वही जिस बाइक से ये मसला हुआ है उसी बाइक को उन्होंने लेकर गया। सेम शख्स दिखने में ऑलमोस्ट वही वैसा ही शख्स दिखाई दे रहा है, और लेके जाके शमशाद नगर पे वो गाड़ी खड़ी किया था, इत्तेफाक से मिल गई गाड़ी, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम तब भी हम पुलिस स्टेशन तक गए थे, हमने वहाँ पे भी उनको सीसीटीवी फुटेज वगैरह देकर आए थे, और आज भी हम लोग गए, उनको बात भी किए और उनको सब बता के आए। पुलिस प्रशासन का किस तरह का आपकी तरफ रुझान रहा और क्या क्या जवाब दिया भाई? पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि हम यहाँ के जो आप जो है यहाँ के जो राउंड ऑफ वगैरह जो है आना जो है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, जो भी आते जाते हैं हमारी पुलिस गश्त करेगी, और वो अगर वहाँ पे संदिग्ध कोई मिलता है हम उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको लगा है कि आप तो मतलब अभी तो स्टाफ भी चेंज हो गया है, सीनियर भी चेंज हो गया है, मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आ गए, अभी निवृत्ति कोलटकर काफ़ी कड़क माने जाते हैं वो रूल्स, क्या उम्मीद लगाएंगे उनसे? क्योंकि अभी तक आपने कई शिकायतें हमें जबानी की है, आज पहली बार आप मीडिया के थ्रू आए, तो क्या लगता है आपको होगा आगे कुछ कार्रवाई? हाँ, होना तो चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने कल बातचीत हुई है और उन्होंने एक आश्वासन दिया है हमें, उससे तो ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और क्योंकि ये बैंक का परिसर है, ये खाली एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक बैंक है यहाँ पे कोकण बैंक, उसके परिसर की ये वारदात है। तो इस भी तो देखा गया सलाम भाई की बैंक के परिसर होते हैं, और बैंक के जो कर्मचारी हैं जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है, तो 12 बजे के बाद सोने की प्रतिक्रिया। हाँ, जहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड को हम देखते हैं, अक्सर ये सिक्योरिटी गार्ड सोते हुए नजर आते हैं।
इनको किसी भी बात का ये परिसर में बैंक के आगे की तरफ में बैठते हैं, बैंक के पीछे की तरफ में क्या होता है इनसे वो कोई लेना देना नहीं, ना कोई आके कभी एक राउंड मारता है ना कोई, वहीं पे बैठे रहते हैं। तो ये तो बैंक को भी संज्ञान लेना चाहिए, कोंकण बैंक वालों को भी, कि भाई इस तरह के अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रात भर के लिए रखते हैं तो और इस तरह के हालात रहेंगे तो ये कल का कोई पीछे से कोई भी कुछ भी कर सकता है और आगे ये सिक्योरिटी गार्ड। ये तो रात की बात है, आपने भी दिन में जो होता है अच्छा, कॉलेज के शुरुआत के वक्त बात है, दिन के वक्त में अक्सर मैं हमारे साथ में यहाँ पे बहुत सारी वारदातें हुई, यहाँ तक के लड़ाई भी हो चुकी है हमारे साथ में, बहुत बार हुई, एक बार नहीं बहुत बार हुई है। और इस परिसर में हमेशा कोई बाइक लेके आ रहा है, कोई लड़की लेके आ रहा है, अगर हम इनको रोकते हैं, कोई अगर नशेली दवा नशा करने के लिए खड़ा हो गया हमसे बात करते हैं, वो हमको हमारे ऊपर मारने के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होती है। फिर उनके दोस्त अहबाब आते हैं, वो हमारे पे चढ़ाई करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, हम नीचे पी रहे हैं, हम यहाँ के हैं, और राह सवाल ये करीब में एक दो कॉलेज है, वो कॉलेज की वजह से स्कूल की वजह से भी यहाँ पे सुबह में आप देखोगे तो लड़का लड़की लोग एक गंदे हरकतें करते हुए नज़र आते हैं, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी होती है, हम उनको बार बार मना करते हैं तो वो लोग मुंहजोरी इतनी है जो, और ये फैमिली की जगह रहने की जगह छोटे बच्चे वगैरह आते हैं उनके सामने गलत गलत हरकतें करते हुए हमने कई बार पकड़ा है लोगों को, यहाँ सिगरेट के बहाने अगर यहाँ पे रुकते हम उनको मना करते हैं तो हमारे आजू बाजू के परिसर वाले ही लोग वो हमारे हम पर मारने के लिए आते हैं कि भाई आप हमको क्यों रोकते हो, हम तो यहीं पे रहने वाले हो। लेकिन ये बात तो समझना चाहिए ना, आप रुके तो कई कल को कोई दूसरा भी रुकेगा, उससे यहाँ पे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, लोग यहाँ पे हमारे लिए मसले पे मसला बनता है। अभी ये एक का नहीं है, पूरे एरिए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोई मेरी बिल्डिंग का नहीं है ये, यहाँ पे मैं जो हम लोग जो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड पैदा कर या किसी को रोकते तो हम पूरे परिसर के लिए रोकते ताकि यहाँ पे कोई गलत वारदात ना हो बैठा है, और यहाँ इस अगर वारदात होती है, अगर ये हिस्सा अगर काटता है, ये हिस्सा अगर कटता है, और क्या अंदर भी सकता है, ये बैंक का पिछला हिस्सा है क्या? बैंक का पिछला हिस्सा है, पिछला हिस्सा, और वो वहाँ बैठा है।